खरगोन जिले के भट्टियान के सियाराम बाबा मार्ग पर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण हुआ है। इस गौशाला के निर्माण में ग्राम के सदस्यों ने हर घर से प्रतिदिन एक रोटी की सेवा देकर सभी को प्रेरित किया और ग्राम में घूमने वाले आवारा पशु यानी गोवंश को लाकर गोवंश की सेवा कर रहे हैं। खरगोन जिले के ग्राम भट्टियान में सियाराम बाबा गौशाला का निर्माण किया गया। इस गौशाला में सभी ग्रामीणों ने एक एक रोटी प्रति घर से दान कर इस सेवा का नया कार्य किया है, जिसमें आवारा घूमने वाले पशुओं यानी गोवंश की सेवा का एक शानदार पहल की है। गोवंश निर्माण में शासन के द्वारा भी राशि उपलब्ध कराई गई थी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला की खासियत यह है कि इस गौशाला में आप गाय को लेकर भी जा सकते हैं और यदि आपके पास गाय हैं और आप उसे पालने में सक्षम नहीं हैं तो आप इस गौशाला में भी गाय को छोड़ सकते हैं। यहाँ गाय का दूध भी उपलब्ध रहता है। पीपलगोन से मोतीलाल कर्मा के साथ संजय जोशी की रिपोर्ट। तुम तो दो भगवान गिरले ग्राम भट्टियान ग्राम भट्टियान बुजुर्ग। देखिए सियाराम गौशाला ग्राम भट्टियान बुजुर्ग में 2021 में निर्माण मुख्यमंत्री गौ योजना के तहत हुआ है। आज मुख्यमंत्री की कृपा से, सियाराम बाबा की कृपा से, संत नर्मदा मैया की कृपा से आज गौ माता की सेवा गौ भक्त लोग कर रहे हैं। इसमें समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके अध्यक्ष शिवराम जी सरुत्रा, सचिव चिंताराम जी बिरला, सदस्य भगवान जी बिरला, रुपचंद जी मालवी, विशेलाल जी पुनाशा, ये सब लोग लगातार निरंतर गौ माता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी गौ माता पे आकस्मिक कोई घटना होती है, समय तत्काल ये लोग उपस्थित हो जाते हैं। और आज 2021 से लगातार रोज शाम के वक्त गौ माता की फेरी निकलती है गाँव में। एक रोटी है हर घर से, प्रत्येक घर से घर एक रोटी प्राप्त होती है, जिसके संचालन हमारे रुपचंद जी काकाजी मालवी करते हैं और लगातार ये सेवा गौ माता के लिए करते हैं। हम सब लोगों का दायित्व है, सनातन में दायित्व है, हम सब हिंदुओं का दायित्व है कि गौ माता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गौ माता ही ऐसी सबकी तारणहार है जो सबको गौ सागर से पार कर सकती है। बोले जय गौ माता की जय। गौ माता की शासन से लगभग मुख्यमंत्री योजना के तहत 38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली है, जिसका जो निर्माण किया गया है मुख्यमंत्री गौशाला के माध्यम से, गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से 38 लाख रुपये प्राप्त हुई और वो आज स्वरूप में दिख रही है। भट्टियान बुजुर्ग की सबसे बड़ी गौशाला के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर शासन ने काफ़ी मदद दी है और हमारे क्षेत्र में पीपलगोन के आसपास की सबसे बड़ी गौशाला है। जो गाय बाहर घूमती थी, जो लोग बाहर छोड़ जाते थे, उनकी सेवा के लिए यहाँ के भट्टियान के भाइयों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कुछ गायों से शुरुआत की और आज यहाँ पर सैकड़ों गायें यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी सेवाएँ भट्टियान बुजुर्ग के भाइयों के द्वारा हो रही है। जो गायों को कटवे जाती थी, जो लोग चोरी करके ले जाते थे और बेच देते थे, हमारी देसी गायों की सुरक्षा के लिए आज जो भाइयों ने मदद की है, ये इनके प्रति बड़ी साधुवाद है। और हमारे क्षेत्र के सारे मतदाता, सारे लोग जितने भी हैं गौभक्त, सभी खुश हैं कि सारी गायों की सेवा बहुत बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। और गाय, दुधारू गायें भी यहाँ पर हैं और छोटी गायें भी हैं, बहुत सारी गायों की सेवाएँ यहाँ प्रतिदिन होती है, सेवा होती है और गाय की आरती भी होती है और उनकी पूजा भी होती है। आज SW24 से संजय जोशी एवं हमारे मोती भाई कर्मा की ओर से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।